किस तरह शुरू कर सकते हैं और जो मैंने अपना घर में खरगोश फार्म बनाया हुआ है उस पर कितना खर्चा आया है और उस पर डेली का खर्चा कितना है, उसकी रिहायश का खर्चा कितना है, मुकम्मल तफसील से मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगा हूँ। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। यहाँ सैन में मैं मौजूद हूँ, थोड़ी धूप की वजह से हो सकता है वीडियो सही ना आ रही हो, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। जी आज मैं पहले बताऊँगा कि मैंने एक खरगोश फार्म अपने घर में बनाया हुआ है, उसको बनाने पर कितना खर्चा आया है। मैंने एक प्रैक्टिकली तौर पर अपने पास खरगोश फार्म बनाया है कि पहले मैं एक दफ़ा प्रैक्टिकल कर लूँ कि उनको क्या खाने में पसंद है, उनके लिए कौन सा मौसम अच्छा है, कौन सा मौसम अच्छा नहीं है, क्या उनमें कोई इसी किस्म की कोई बीमारी आ सकती है। इसलिए मैंने एक मुख्तसर सा अपने लिए घर में एक खरगोश फार्म बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ कि मैंने एक जंगला बनवाया है, जंगला जो उसका फ्रंट हिस्सा है, यहाँ पर मैंने दो खरगोश रखे हुए हैं, एक जोड़ा है खरगोशों का। प्रैक्टिकली आपने इनका घर देखा हुआ, ये एक डब्बे का घर मैंने इस वक्त इनका बनाया हुआ है। इनका लकड़ी का जो बॉक्स है वो बनने के लिए दुकान पे किया हुआ है, इंदा इंशाल्लाह एक दो दिन में भी वो भी आ जाएगा, इसलिए मैंने अभी आर्जी तौर पर इनके लिए डब्बे का घर बनाया हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि इस पर खर्चा कितना आया। ये एक जंगला लिया है मैंने, इस जंगले को सेकेंड हैंड तकरीबन 10,000 रुपये में तैयार करवाया गया। सेकेंड हैंड किसी पास पड़ा था वो खरीदा है और उसके ऊपर फिर मुरम्मत वगैरह करवा कर तकरीबन 10,000-1,000 रुपये का मेरा खर्चा आ गया है। ये मुकम्मल जाली का बना हुआ है, इसकी बैक साइड पे भी जाली है, फ्रंट पे भी जाली है, ऊपर से ये ढांपा हुआ है, मुकम्मल छत है ताकि सर्दी गर्मी में बारिश में ये महफूज रह सके। अब फ्रंट की अगर जाली की बात करता चलूँ तो एक दरवाज़ा इसका यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ये मैंने कुंडी आदि लगाई हुई है खोलने के लिए। एक दरवाज़ा इसका यहाँ पर मौजूद है, ये कपड़े के नीचे सर्दी की वजह से मैंने इनको ढांपा हुआ है ताकि इसको सर्दी ना लगे और रात को मुकम्मल कपड़ा ऊपर मैं डाल देता हूँ। इसके बाद जो दूसरा खाना है यहाँ पर नीचे मौजूद है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर एक खाना ये मौजूद है और एक खाना ये मौजूद है, और दरमियान में इस खाने को और इस खाने को अलग करने के लिए एक मैंने अलग इसकी जाली बनवाई हुई है। जब उनको अलग करना होता है तो दरमियान में जाली बना देता हूँ, जब कभी सफाई करनी होती है खरगोशों को इस साइड पर डाल के जाली अंदर फिट कर देता हूँ, जाली बंद हो जाती है और खरगोश एक साइड पे चले जाते हैं, हम सफाई कर लेते हैं इनका। अब घर का जो मैंने आपको पहले ही बताया डब्बे का घर फिलहाल वक्ती तौर पर बनवाया हुआ है, लकड़ी का इसका घर बन रहा है, तो ये रात को अंदर चले जाते हैं। सब देखा है आपने, ये खरगोश अंदर चले गए हैं, यहाँ पर इनके रिहाइश का मुकम्मल तौर पर पुरसकून इंतज़ाम है। अब आपको इसको खाने के बारे में और खुराक के बारे में पता चलूँ तो खाने में आप इनको शुष्क आइटम देंगे तो ये ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, जितना तारा आइटम देंगे जिस तरह इसका चारा घास पड़ा हुआ है, वसीम हो गया, लूसन हो गया, ये इनके भी पास मौजूद है, ये ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में। इसके अलावा अगर आप इसको बाजरा देंगे या इसको दलिया जिस तरह होता है वो अगर आप इनको देंगे तो वो ये ज़्यादा पसंद नहीं करते, ना ज़्यादा ये खाते हैं। इसके अलावा गाजरें हो गई या माल्टे वगैरह के छिलके हो गए या सब्ज़ी वगैरह के कुछ छिलके हो गए जिसमें ज़्यादा पानी मौजूद होगा ये वो पसंद करते हैं जिसमें ज़्यादातर पानी मौजूद होता है। वो रही बीमारी की, तकरीबन 4 दिनों से मैंने रखा हुआ है, किसी किस्म की इनमें कोई बीमारी का खर्चा नहीं है, ये सर्दी भी बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन इनको गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए इनको गर्मियों में कोशिश करें अच्छी जगह पर रखें जहाँ पर साया हो, जहाँ पर छाँव का अच्छा इंतज़ाम किया हुआ हो। अगर आप किसी कमरे में रखना चाहते हैं तो आप जिस तरह मुख्तलिफ वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा एयर कंडीशन का इस्तेमाल किया गया है, आप एयर कंडीशन लगा सकते हैं, इनके लिए पंखे लगा सकते हैं, एग्जॉस्ट लगवा सकते हैं कमरे में। अगर आप इसको ओपन माहौल में रखना चाहें, आमतौर पर खरगोश ओपन माहौल में रहना, खुली जगह पर रहना पसंद करते हैं, अगर आपके घर में कच्ची मिट्टी वगैरह है आप वहाँ पर रखें, लेकिन वहाँ पर खतरा ये होता है कि वहाँ पर बिलें बनाकर ये किसी और जगह पर चले जाते हैं, या ज़्यादातर लोगों के जहन में ये होता है वहाँ पर बिलें बनाकर ये बुनियादों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तो मेरा खरगोश फार्म है, इनका खाने का भी बता दिया, बीमारी का भी बता दिया, इनका घर बना दिया। इसका घर इसलिए डरवा बनाना लाजमी है क्योंकि इस तरह इसमें बच्चे देते हैं, इसके अलावा ये बच्चे नहीं देते, अगर ओपन जगह पर आप रखते हैं तो ये बिल के बगैर बच्चे नहीं देते, इसलिए मैंने इसका मुकम्मल सिस्टम ये बिल की तरह का डब्बा इसका बना रखा है। इसमें थोड़ा सा सुराख है जिसके ज़रिए अंदर चले जाते हैं और मुकम्मल वहाँ पर अंधेरा रखता है, ज़्यादा उसमें रोशनी वगैरह नहीं है।
अब अगर आप, मैं बताऊं कि आप खरगोश कितने से खरीद सकते हैं, ये जो जोड़ी है वाइट खरगोश है सिर्फ आंखों वाले, तो ये आम रूटीन में आम पाए जाते हैं, कोई ये महंगे एक्सपेंसिव नहीं है। आप एक दफ़ा इसका तजर्बा लाजमी करें, उसके बाद आप महंगे खरगोश खरीदें। ये ना हो कि आपको पता ना हो इसके मौसमी असरात का। अच्छा, मुख्तलिफ जो किस्में हैं, मुख्तलिफ नस्लें हैं, उसमें मुख्तलिफ उसमें हिसाब किताब पाया जाता है। जो बाहर के हैं पड़े, उनसे तो गर्मी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती, उनके लिए लाजमी है कि ठंडी जगह होना। इसलिए आप हर खरगोश हर नस्ल के हिसाब से उसके जगह का तय कीजिएगा। तो ये तो था आज का मेरा खरगोश फार्म, मुकम्मल तफसील से मैंने आप लोगों को बता दिया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अस्सलाम वालेकुम।